हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी चावल फ्राई। तो इसके लिए हमने लिया है यहाँ पर चावल। चावल आप कोई सा भी ले सकते हैं, कोई स्पेशल चावल की ज़रूरत नहीं है। तो आपके पास जो भी अवेलेबल है उसका इस्तेमाल करें, जो डेली वे में आप यूज़ करते हैं। चावल आप अपने क्वांटिटी के अनुसार ले सकते हैं, कम बनाना है, ज़्यादा बनाना है। यहाँ पर हमने लिया है एक बॉल चावल। यहाँ पर कटोरी के माप से देखा जाए तो 2 से 3 कटोरी ये चावल हैं। इसके साथ ही हमने लिया हुआ है यहाँ पर भिंडी। ये भिंडी कुछ लंबे टुकड़ों में कटा हुआ है और कुछ छोटे पीसेस में कटा हुआ है। इस तरह से आप भी ले लेंगे। यहाँ पर लिया है हमने सिजवान सॉस 1 चम्मच और 2 से 3 चम्मच जितना जो भुनी हुई मूंगफली होती है वो है, और करी लीव्स है साथ में। साथ ही यहाँ पर है 2 से 3 चम्मच भुट्टे के दाने। आपके पास हो तो यूज़ करें, वरना इसे स्किप कर सकते हैं। पर लिया है शिमला मिर्च टुकड़ों में कटा हुआ, 2 बड़े साइज़ के प्याज इस तरह से लंबे लंबे टुकड़ों में कटा हुआ, लहसुन की कलियाँ हैं 5 से 6 कुटी हुई, और हरी मिर्च ली है हमने यहाँ पर, 1 टमाटर बड़े साइज़ का, और धनिया लिया हुआ है। खाने के लिए हमने ले लिया है कढ़ाई, और इसमें डाल देंगे 2 से 3 चम्मच ऑयल और इसे थोड़ा गर्म होने देंगे। गर्म हो चुका है, अब डाल देंगे 1/2 चम्मच जितना जीरा और इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब यहीं पर डाल देंगे हम कटी हुई ये भिंडी जो लंबे लंबे टुकड़ों में हमने काटी थी, और अब इसे करेंगे हम फ्राई। इसको फ्राई होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 1 से 1.5 मिनट लगेगा, और इसे हाई फ्लेम पे आप फ्राई कर सकते हैं। अब यहाँ 1 से 1.5 मिनट हो चुका है और यहाँ आप देख सकते हैं कि भिंडियाँ फ्राई हो चुकी हैं। तो अब हम इसको निकाल लेंगे। आप एक बार ज़रूर इस तरीके से बनाइएगा। यहाँ पर सेम ही कढ़ाई यूज़ करेंगे, इसमें तेल पहले से ही था, तो डाल देंगे हरी मिर्च प्याज और इसे चलाते हुए मिक्स कर लेंगे सबको। और यहीं पर डाल देंगे हम शिमला मिर्च, साथ में डाल देंगे करी लीव्स को भी, और सबको अच्छे से हम हाफ फ्राई करेंगे। हमें पूरा फ्राई नहीं करना है, हाफ फ्राई करना है। और इसके बाद हम डाल देंगे यहाँ पर कटी हुई भिंडियाँ जो छोटे छोटे टुकड़ों में हमने काट के रखी हुई थी, वो सारी भिंडियाँ इसके अंदर हम डाल देंगे और सबको करेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको सॉफ्ट होने तक हम पकाएंगे। सब्जियों को इसी तरह से हिलाते दुलाते चलाते हुए हम पकाएंगे। अब यहीं पर हम डाल देंगे कॉर्न। कॉर्न को डाल देंगे ताकि सब्जियों के साथ ही अच्छे से पक जाएं और सॉफ्ट हो जाएं। इसी तरह से इन्हें मिक्स करते हुए हम चलाएंगे। अब यहीं पर डाल देंगे 1/2 चम्मच हल्दी और सबको करेंगे अच्छे से मिक्स। सबको अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर हम सब्जियों को साइड कर देंगे इस तरह से, और डाल देंगे हम कटे हुए टमाटर। कटे हुए टमाटर को साइड में डालने का मतलब यही है कि ये सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन सब्जियों के साथ हम मिक्स कर देंगे तो सब्जियां गीली हो जाएंगी और सॉफ्ट भी नहीं हो पाएंगी, क्योंकि टमाटर थोड़ा खट्टा होता है। तो हम इसी तरह से टमाटर को 2 से 3 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे, और यहीं पर डाल देंगे हम भुनी हुई मूँगफली। इस तरह से हम साइड में रख देंगे क्योंकि मूँगफली तो पहले से ही भुनी हुई है और इन सब के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए, इसी वजह से हम इस तरह से डाल दे रहे हैं। यहीं पर हम थोड़ा सा नमक डाल देंगे, सब्जियों के अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पर नमक डालना है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है। और नमक इसीलिए हमने डाला है ताकि सब्जियाँ थोड़ी सॉफ्ट हो जाएं। अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे इसी तरह से पकने के लिए। हाँ, 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और आप देख सकते हैं कि सारी सब्जियाँ सॉफ्ट होनी शुरू हो गई हैं। और अब हम करेंगे सारी सब्जियों को अच्छे से मिक्स, ताकि इसके अंदर जो नमक डाला है हमने वो अच्छे से इसके साथ मिक्स हो जाए, और इस तरह से चलाते हुए इसको हम मिक्स कर लेंगे। यहीं पर ऐड करेंगे ये सिजवान सॉस। अब डालेंगे यहाँ पर सिजवान सॉस, कश्मीरी लाल मिर्च और धनिया पाउडर, ये सब 1/2 चम्मच हमने डाल दिया है। और सबसे लास्ट में हम डालेंगे ये हमारे उबले हुए चावल। यहाँ पर सारे चावलों को डालने के बाद करेंगे अच्छे से मिक्स, और चावलों के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर नमक डाल लेंगे। और ध्यान इस बात का देना है कि सब्जियों में भी नमक पड़ा हुआ है, उसी हिसाब से नमक यहाँ डालेंगे, और सारे चावलों को अच्छे से मिक्स करते हुए हम भून लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे लास्ट में हरी धनिया, एक अच्छा फ्लेवर आएगा इससे, और करेंगे सबको अच्छे से मिक्स।
एक से दो मिनट अब हम इसे पकाएंगे, बस इसके बाद ये बनकर के रेडी हो जाएगा और ऊपर से सजा देंगे ये भिंडियाँ। और ये बनकर रेडी हो गई है और ये देखिए तैयार है हमारे भिंडी चावल फ्राई खाने के लिए। और इसका स्वाद बहुत ही यमी है फ्रेंड्स, आप ज़रूर एक बार ट्राई करें। इस तरह से भिंडी के साथ चावल की रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी आपको, और मेरे कहने से एक बार ज़रूर बनाएं। और यदि आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू।